मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आज लोकल ट्रेन से पटरी पार करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय का घेराव कर यहां पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर पवन कुमार और जीआरपी के पीआई श्री खंडारे, साथ ही सिटी पुलिस ने किसी तरह से घेराव कर रहे लोगों को समझा बुझाकर स्टेशन परिसर से बाहर निकाला। आपको बता दें कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:03 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 को पार करते समय डाउन दिशा में बदलापुर फास्ट लोकल ट्रेन की चपेट में ये व्यक्ति आ गया था। तत्काल आरपीएफ के जवान मोहित कुमार ने कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया और सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि यहां एक बात और आपको बता दें कि जो मृतक है उसके पास से कोई भी पहचान पत्र या कोई भी टिकट बरामद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है। आगे इस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश और आगे की कार्रवाई ठाणे जीआरपी द्वारा की जा रही है, मगर लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को हमेशा पैदल पुल का इस्तेमाल करना चाहिए। पटरी पार करने या चलती लोकल ट्रेन से चढ़ने या उतरने की कोशिश करने के दौरान इसी तरह के हादसों में यात्री अपना जान गंवा देते हैं। स्टेशनों पर जबकि बार बार अनाउंसमेंट होता है कि पटरी पार ना करें, चलती लोकल से उतरने या चढ़ने की कोशिश ना करें, मगर इसके बावजूद भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं और अपनी जान तो गंवा देते हैं, साथ ही अपने परिजनों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक आप यात्रा करें और नियमों का पालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें।